श्री परमात्मने नमः। पंचम अध्याय द्वितीय खंड। महत्व प्राप्ति के लिए मंथोपासना। उसने कहा, मेरा अन्न क्या होगा? तब वाघ आदि ने कहा, कुत्तों और पक्षियों से लेकर सब जीवों का यह जो कुछ अन्न है सब तुम्हारा अन्न है। सो यह सब अन्न प्राण का अन्न है। अन्न यह प्राण का प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार जानने वाले के लिए जो कुछ अनन अभक्ष्य नहीं होता है। उसने कहा, मेरा वस्त्र क्या होगा? तब वाघ आदि बोले, जल। इसी से भोजन करने वाले पुरुष भोजन के पूर्व और पश्चात इसका जल से आच्छादन करते हैं। ऐसा करने से वह वस्त्र प्राप्त करने वाला और अनग्न होता है। इस प्राण दर्शन को सत्यकाम जाबाल ने वायाग्रह पद को घोषुति के प्रति निरूपित करके कहा, यदि इसे सूखे टूटे के प्रति कहें तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जाएगी और पत्ते फूट आएंगे। अब यदि वह महत्व को प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्या को दीक्षित होकर पूर्णिमा की रात्रि को सर्वैश्वर्य के दधि और मधु संबंधी मंथन का मंथन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा कहते हुए अग्नि में घृत का हवन कर मंथन पर उसका अवशेष डालना चाहिए। इसी प्रकार वशिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंथन में घृत का स्त्राव डाले। प्रतिष्ठाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंथन में घृत का स्त्रवा डाले। संपदे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृत आहुति देकर मंथन में घृत का स्त्रवा डाले। तथा आयतनाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृत आहुति देकर मंथन में घृत का स्त्रवा डाले। तदंतर अग्नि से कुछ दूर हटकर मंथ को अंजलि में ले वह अमु नामासी इत्यादि मंत्र का जप करे। अमु नामासी आदि मंत्र का अर्थ है, हे मंथ, तू अम नाम वाला है, क्योंकि यह सारा जगत अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थित है। वह तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा दिदीप्तमान और सबका अधिपति है। वह तो मुझे ज्येष्ठ श्रेष्ठत्व ज्येष्ठत्व राज्य और आधिपत्य को प्राप्त करा। मैं ही यह सर्वरूप हो जाऊं। फिर वह इस ऋचा से पादशाह उस मंथ का भक्षण करता है। फिर वह भिन्न भिन्न मंत्रों द्वारा भक्षण करता है। फिर वह वयम देवस्य भोजनम ऐसा कहकर भक्षण करता है। श्रेष्ठ सर्वाधात्मम ऐसा कहकर भोजन करता है। तथा तुरम भगस्य धीमहि ऐसा कहकर कंसा कठोरे या चमसा चम्मच को धोकर सारा मंथ ले पी जाता है। तत्पश्चात वह अग्नि के पीछे चर्म अथवा पवित्र यज्ञ भूमि पर वाणी का संयम कर अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत न होता हुआ संयम करता है। उस समय यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो ऐसा समझे कि कर्म सफल हो गया। इस विषय में यह श्लोक है, जिस समय काम कर्मों में स्वप्न में स्त्री को देखे तो उस स्वप्न प्रदर्शन के होने पर उस कर्म में समृद्धि जाने। तृतीय खंड। श्वेत केतु और प्रवण का संवाद। श्वेत केतु के पिता का राजा से उपदेश मांगना। आरुणी का पुत्र श्वेत केतु पांचाल देशीय लोगों की सभा में आया। उससे जीवल के पुत्र प्रवण ने कहा, कुमार, क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है? इस पर उसने कहा, हाँ भगवान। क्या तुझे मालूम है कि इस लोक से जाने पर प्रजा कहाँ जाती है? श्वेत केतु, भगवान, नहीं। प्रवण, क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोक में कैसे आती है? श्वेत केतु, नहीं भगवान। प्रवण, देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों का पारस्परिक वियोग स्थान तुझे मालूम है? श्वेत केतु, नहीं भगवान। प्रवण, तुझे मालूम है यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है? श्वेत केतु, भगवान, नहीं। प्रवण, क्या तू जानता है कि पांचवी आहुति के हवन कर दिए जाने पर आप सोम घृत आदि रस पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होता है? श्वेत केतु, नहीं भगवान, नहीं। तो फिर तू अपने को मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा क्यों कहता था?
जो इन बातों को नहीं जानता वह अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है। तब वह त्रस्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उससे बोला, श्रीमान ने मुझे शिक्षा दिए बिना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रिय बंधु ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे, किंतु मैं उनमें से एक का भी विवेचन नहीं कर सका। पिता ने कहा, तुमने उस समय आते ही जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाए हैं उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता। यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों ना बतलाया। तब वह गौतम गोत्र उत्पन्न ऋषि राजा जैबली के स्थान पर आया। राजा ने अपने यहाँ आए हुए उसकी पूजा की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा के सभा में पहुँचने पर वह गौतम उसके पास गया। राजा ने उससे कहा, भगवान गौतम, आप मनुष्य संबंधित धन का वर मांग लीजिए। उसने कहा, राजन, ये मनुष्य संबंधित धन आप ही के पास रहे। आपने मेरे पुत्र के प्रति जो बात प्रश्न रूप से कही थी वही मुझे बतलाइए। तब वह संकट में पड़ गया। उसे यह चीरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी और उससे कहा, गौतम, जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है उससे तुम यह समझो कि पूर्व काल में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसी से संपूर्ण लोकों में इस विद्या द्वारा क्षत्रियों का ही शिष्यों के प्रति अनुशासन होता रहा है। ऐसा कहकर वह गौतम से बोला, चतुर्थ खंड, घूलोक की अग्नि के रूप में उपासना। हे गौतम, यह प्रसिद्ध घूलोक ही अग्नि है। उसका आदित्य ही समिद है, किरणें धूम है, दिन ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र विस्फुलिंग चिंगारियां हैं। इस घूलोक रूप अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं। उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है। पंचम खंड, प्रजन्य की अग्नि के रूप में उपासना। गौतम, प्रजन्य ही अग्नि है। उसका वायु ही संबिद है, बादल धूम है, विद्युत ज्वाला है, वज्र अंगार है तथा गर्जन विस्फुलिंग है। उस अग्नि में देवगण राजा सोम का हवन करते हैं। उस आहुति से वर्षा होती है। षष्ठ खंड, पृथ्वी की अग्नि के रूप में उपासना। गौतम, पृथ्वी ही अग्नि है। उसका संवत्सर ही समृद्ध है, आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएं अंगारे हैं तथा अवांतर दिशाएं विस्फुलिंग हैं। इस अग्नि में देवगण वर्षा का हवन करते हैं। उस आहुति से अन्न होता है। सप्तम खंड, पुरुष की अग्नि के रूप में उपासना। गौतम, पुरुष ही अग्नि है। उसकी वाक ही समृद्ध है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगारे हैं और श्रोत्र विस्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं। उस आहुति से वीर उत्पन्न होता है। गौतम, स्त्री ही अग्नि है। उसका उपस्थ ही समृद्ध है, पुरुष जो उपमंत्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो भीतर की ओर करता है वह अंगारे हैं और उससे जो सुख होता है वह स्फुलिंग है। इस अग्नि में देवगण वीर का हवन करते हैं। उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। नवम खंड, पांचवी आहुति से पुरुष की उत्पत्ति। इस प्रकार पांचवी आहुति के दिए जाने पर आप पुरुष शब्दवाची हो जाते हैं। वह जरायु से आवृत हुआ गर्भ 10 या 9 महीने अथवा जब तक पूर्णांग नहीं होता तब तक माता की कुच्छी के भीतर ही शयन करने के अनंतर फिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न होने पर वह आयु पर्यंत जीवित रहता है। फिर मरने पर कर्मवश परलोक को प्रस्थित हुए उस जीव को अग्नि के प्रति ही ले जाते हैं जहाँ से कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था। दसम खंड, जीवों की त्रिविध गति। वे जो इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो वन में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं प्राण परायण के अनंतर अर्ची अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। अर्ची अभिमानी देवताओं से दिवसाभिमानी देवताओं को, दिवसाभिमानियों से शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं को, शुक्ल पक्षाभिमानियों से जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर की ओर जाता है उन 6 महीनों को, उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देवयान मार्ग है तथा जो ये गृहस्थ लोग ग्राम में इष्ट पूर्ति और दत्त ऐसी उपासना करते हैं वे धूम को प्राप्त होते हैं।
धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिणा मार्ग से जाता है उनको प्राप्त होते हैं। ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। यह चंद्रमा राजा सोम है, वह देवताओं का अन्न है। देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। वहाँ कर्मों का क्षय होने तक रहकर वे फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं। वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर अभर होते हैं। वह अभर होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है। तब वे जीव इस लोक में धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यंत कष्टप्रद है। उस अन्न को जो जो भक्षण करता है और जो जो वीर से सेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है। उन अनुशयी जीवों में जो अच्छे आचरणों वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते तथा जो अशुभ आचरणों वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, शुकर योनि अथवा चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। इनमें से वे किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते। वे ये क्षुद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, यही उनका तृतीय स्थान होता है। इसी कारण यह परलोक नहीं भरता। अतः इस संसार गति से घृणा करनी चाहिए। इस विषय में यह मंत्र है, स्वर्ण का चोर, मत पीने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा, ये चारों पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ संसर्ग करने वाला भी। किंतु जो इस प्रकार इन पंचाग्नियों को जानता है वह उनके साथ आचरण संसर्ग करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। वह शुद्ध, पवित्र और पुण्य लोक का भागी होता है। जो इस प्रकार जानता है। ओम शांति शांति शांति।